नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के विकाल विक्रमा राय PG कॉलेज हरैया में आज BA BSc तृतीय वर्ष के लगभग 250 छात्र छात्राओं को मोबाइल वितरित किया गया। आपको बता दें तो इस दौरान मोबाइल पाकर बच्चे खुश नजर आए। प्राचार्य डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मोबाइल वितरण किया गया है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि मोबाइल का अपने जीवन में सदुपयोग करेंगे। कुल 361 छात्र छात्राओं को मोबाइल वितरित होनी है, जिसमें आज 250 छात्र छात्राओं को वितरण हुआ है। जो शेष बच्चे हैं उन्हें कल वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज के टेक्निकल युग में बच्चों को मोबाइल का बहुत ही महत्वाकांक्षी लाभ मिलेगा। प्रबंधक धीरज राय ने छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए वर्तमान समय में मोबाइल के सदुपयोग की बात कही। इस दौरान सर्वेश सिंह, प्रमोद सिंह, सत्यशील शर्मा, राज ऋषि शर्मा, सीमा राय, शकुंतला शर्मा, नेहा विश्वकर्मा, प्रियंका भारती आदि लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा प्राचार्य डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा ने, आप सुनिए। जी, मैं डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा, प्राचार्य विकास विक्रमा राय, पीजी कॉलेज हरिया सगड़ी आजमगढ़। सर, आज आपकी विद्यालय में स्मार्टफोन बांटा गया, ये प्रदेश सरकार का मोबाइल वितरण वाला कार्यक्रम रहा है। आज बच्चों ने बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम में सहभागिता अर्जित की। हमने सारे बच्चों से उम्मीद किया है तो उसका अपने जीवन में सदुपयोग करेंगे, उसके दुर्गुणों को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। छात्राओं को बांटा गया, 361 छात्राओं को मोबाइल प्राप्त होनी है, इसमें लगभग 250 बच्चों को मोबाइल बढ़ चुकी है, कुछ शेष हैं तो कल वितरण हो जाएगा उनका। सर, जो स्मार्टफोन बच्चों हमको लगता है कि आज के टेक्निकल युग में उसका बहुत महत्वाकांक्षी लाभ मिलेगा उनको। सारी सुविधाएं हमको लगता है पूरे विश्व स्तर की सुविधाएं मोबाइल में कैच हैं। तो छात्राओं में तो नाम बहुत है, नाम याद नहीं अपने आप को है। कक्षा खास करके BA BSc छठवें सेमेस्टर को मिली है,